है कि ये मुझसे कुछ चाहता है। समझ गया, ये मुझसे कुछ मांग रहा है। पर क्या मांग रहा है ये? समझ आए तब तो कुछ करूं। चलो शुक्र है, ये कम से कम मुझे मारना तो नहीं चाहिए। मैं ये कैसे भूल गया? आखिर ये है तो एक बंद दिमाग राक्षस ही। आज मजाक भारी पड़ गया, ये राक्षस मुझे मार डालेगा। मुझे किसी भी तरह वहां पहुंचना होगा, अंदर छुप जाता हूँ। जल्दी कर आलन, जल्दी। अगर जल्दी नहीं की तो मारा जाएगा। लगता है मैंने देर कर दी। क्या मैंने उसे अंदर कैद कर दिया? तुमने उसे अंदर कैद कर दिया? मैं समझ सकता हूँ कि विश्वास करना मुश्किल है, पर मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। पिकल सच में मुझे मारने आ रहा था। मैंने फ्रीजर का दरवाजा खोला, वो अंदर गया और मैंने बंद कर दिया। इसका मतलब तुम ही हो जिसने पुलिस को खबर दी है ना? जी, मैंने ही इन्हें खबर दी थी। इन्हें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? उस राक्षस को देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे। ऐसा क्या देखा तुमने? मैं बेवकूफ नहीं हूँ मिस्टर पेन, जो पुलिस की 5 गाड़ियाँ यहाँ बुलवाऊंगा। उल्लू के पट्टे हो तुम। बुरा मत मानिए प्रोफेसर, पर मैंने उसका सामना किया है, आपने नहीं, इसलिए मुझे उसके बारे में आपसे ज्यादा पता है। बंदूक की गोलियाँ उसके शरीर से टकरा कर नीचे गिर गए और उसने वो गोलियां हाथों से मेरी तरफ फेंकी, और देखिए मेरा क्या हाल हो गया। दुनिया का बेस्ट बॉलर भी इतनी तेज बॉल नहीं डाल सकता है। मुझे तो लग रहा है ये 5 गाड़ियां भी काफी नहीं है। अब क्या फर्क पड़ता है, तुम जो करना चाहते थे कर दिया ना। सॉरी, हमने बिल्डिंग का फ्लोर प्लान चेक किया, फ्रीजर की लोकेशन का अंदाजा हो चुका है। हम उस पर हमला करने वाले हैं, अगर उसने होशियारी की तो हमें उसे जान से मारना पड़ेगा। क्या आप उसे मार देंगे? आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप कौन है? एल्बर्ट पेन। मैंने कभी भी सोचा नहीं था मुझे एक नोबल प्राइज विनर से मिलने का मौका मिलेगा, और वो भी यहाँ। वैसे मैं इंस्पेक्टर, जान पहचान बाद में भी हो सकती है। मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, ये काम आपकी पुलिस फोर्स ने